सुनील बाबू को किसी ने कभी हाँ बोलते नहीं सुना। मुंह छोटी कर दूं? नहीं 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 ना नहीं 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 ना 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 और नहीं माता जी नहीं बाबूजी मेरे साइकिल नहीं। फिर एक दिन आई आशा दीदी लिए हाथी पांव की दवा। हाँ जरूर अभी इसी वक्त। अरे हाथी पांव की दवा लाई है? हाँ तो बोलूंगा ही। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की सुनिए और इनके सामने ही परिवार के सब लोग खाइए हाथी पांव की दवा। इसी साल में बस एक ही बार तो खाना है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। तो क्या समझे? दवा को बोलो हाँ और हाथी पांव को ना। लगातार दो हफ्तों से बुखार, जो मलेरिया रोधी दवा से भी ठीक नहीं हो रहा हो तो यह कालाजार हो सकता है। चमड़े पर दाग धब्बे हो तो यह पीकेडीएल हो सकता है। ऐसा होने पर तुरंत सैया या स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बताएं। कालाजार की मुफ्त जांच और उपचार सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही उपलब्ध है। कालाजार के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने पर सरकार द्वारा 6600 रुपए, सहचर को 500 रुपए और सैया या सहयोगी को 400 रुपए दिए जा रहे हैं। जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे, कभी भी कहीं भी, खुद को बोलिएगा, ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए। ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा।